हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है मैगी कट्स हर हेयर के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कम अपस्टेयर्स विद मी टॉम, व्हाई डिड मैगी वांट हर ब्रदर टू गो अपस्टेयर्स। अब मैगी ने कहा अपने भाई से, जब वो अपनी माँ से वहाँ बात कर रहे थे तो उस समय मैगी जब बाहर जा रही थी रूम से तो उसने अपने भाई को भी ऊपर आने के लिए कहा, ऐसा क्यों हुआ, यानी कि वो टॉम को ऊपर क्यों ले जाना चाहती थी। तो आंसर है इसका, मैगी वॉन्टेड टू कट हर हेयर सो शी वॉन्टेड हर ब्रदर टॉम टू कम अपस्टेयर्स एंड हेल्प हर इन दैट। तो मैगी जो है अपना बाल काटना चाहती थी क्योंकि उसके बालों के लिए उसको बार बार कहा जा रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं अपने भाई को भी साथ में ले जाती हूँ और वो मेरी बाल काटने में हेल्प करेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, वुड यू से मैगी एंड टॉम वर फॉन्ड ऑफ देयर आंट। क्या आपको लगता है कि मैगी और टॉम जो थे उनको उनकी आंट बहुत अच्छी लगती थी, यानी कि उसके साथ रहना उनको अच्छा लगता था। वेल, अभी तक जो स्टोरी हमने पढ़ी थी तो उसको देखकर तो ये पता लगता है कि मैगी जो थी और टॉम जो था वो अपनी आंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो आंट जो थी उनकी मिसेस ग्लैग जो थी वो हमेशा उनके अंदर फॉल्ट ढूंढती रहती थी, उनके अंदर कमियाँ ढूंढती रहती थी, इसीलिए उन दोनों को वो आंट बिल्कुल पसंद नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन जो है, वाई डिड मैगी कट ऑफ हर हेयर, मैगी ने अपने बाल क्यों काटे। मैगी डिड नॉट वॉन्ट हर हेयर टू लुक प्रेटी, शी वॉज वेरी एंग्री ड्यू टू हर आंट्स कमेंट्स, शी ओनली वॉन्टेड पीपल टू थिंक हर अ क्लेवर गर्ल एंड नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद हर, सो शी कट ऑफ हर हेयर। अब मैगी ने अपने बाल काटे, इसका कारण ये था कि मैगी जो थी वो अपने बालों को बिल्कुल भी सुंदर बालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाना चाहती थी, यानी कि उसके बाल जैसे भी थे बार बार उस पर कंघी करो और बार बार हर एक व्यक्ति उस पर कमेंट करता रहता था, और ख़ासकर जो आंट थी उसकी आंट ग्लैग, उनके कमेंट्स के कारण वो जो बच्ची थी मैगी वो काफ़ी परेशान थी और वो सिर्फ यही चाहती थी कि लोग ये समझें कि वो क्लेवर गर्ल है, दैट मैगी इज़ अ क्लेवर गर्ल, वो ये समझें कि मैगी एक क्लेवर लड़की, एक चतुर, एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, न कि वो एक सुंदर लड़की है, और उसके अंदर फॉल्ट ना ढूंढे, क्योंकि मैगी चाहती थी कि उसके अंदर एक भी कमी ना हो जिसके लिए लोग उसको बोल सकें, उसको कुछ सुना सकें, तो इसीलिए वो अपने अंदर की सब कमियों को दूर करना चाहती थी और एक बालों के कारण उसको बार बार सुनना पड़ता था, इसीलिए इस चीज़ को दूर करने के लिए अपने बालों को काटने के लिए तैयार हो गई। फोर्थ क्वेश्चन इज, यू विल कैच इट, व्हाट एग्जैक्टली डिड टॉम मीन बाय दैट। यू विल कैच इट, टॉम का मतलब क्या था इसके साथ। टॉम मेंट टू से दैट मैगी वुड बी साउंडली स्कोल्डेड फॉर कटिंग हर हेयर। अब इसका मतलब ये हुआ, यू विल कैच इट, कि तुम्हें अच्छे से मिलेगा, यानी कि जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम पकड़ी जाओगी और तुम्हें डांट भी अच्छे से मिलेगी, क्योंकि सब लोग जो बच्चियां जो रहती हैं उनके बाल बड़े जब होते हैं, लंबे होते हैं, तो माँ बाप खासकर मदर जो है उसका बहुत केयर करती है, तभी वो ऐसे हो पाते हैं। तो जब उसने बालों को एकदम से काट दिया तो टॉम ने कहा कि ज़रूर तुम्हें इसके लिए स्कोल्डिंग मिलेगी, तुम्हें डांट मिलेगी। क्वेश्चन 5 है जो, शी स्टूड विद अ सेंस ऑफ फ्रीडम एज इफ शी हैड कम आउट फ्रॉम अ वुड इन टू द ओपन प्लेन। फ्रीडम फ्रॉम वॉट, वॉट इज कम्पेयर टू अ वुड एंड टू ओपन प्लेन। तो हमने एक सेंटेंस इसमें पढ़ा था चैप्टर में कि शी स्टूड विद द सेंस ऑफ फ्रीडम एज इफ शी हैड कम आउट फ्रॉम अ वुड, कि वो जंगल से बाहर आ गई हो और खुले मैदान में आ गई हो। यहाँ पर फ्रीडम से क्या मतलब है, कि किस चीज़ से उसको फ्रीडम मिला, और यहाँ पर ओपन प्लेन और वुड को किससे कंपेयर किया गया है। मैगी फेल्ट फ्री एंड लाइटर आफ्टर कटिंग हर थिक हेयर, उसके जो घने बाल थे उसको काटने के बाद वो फ्री, उसको काफ़ी एकदम लाइट फील हुआ, फ्री फील हुआ, और उसके बाल जो हैं उसको वुड से कंपेयर किया, वुड का मतलब यहाँ पर लकड़ी से नहीं है, जंगल से हैं, उसके बालों को वुड से यानी कि जंगल से कंपेयर किया गया है। और लाइटर मेन यानी कि एंड द लाइटर मेन लेफ्ट आफ्टर चॉपिंग द लॉक्स इज कम्पेयर टू ओपन फील्ड, यानी कि जो जंगल था उसको काटने के बाद कैसे खुला आसमान, जगह ही जगह हो जाती है चारों तरफ, खुला मैदान बन जाता है, उसी प्रकार से उसका जो बाल थे वो काटने के बाद वो एकदम फ्री हो गई और उसके जीवन में ऐसा फील होने लगा कि जैसे वो फ्रीडम उसको बहुत ज़्यादा मिल गया हो। सिक्स क्वेश्चन जो है, हाउ डिड मैगी रिएक्ट व्हेन टॉम एक्सक्लेम्ड व्हाट ए क्वियर थिंग यू लुक। अब मैगी जो थी उसने कैसे रिएक्ट किया जब टॉम ने कहा व्हाट ए क्वियर थिंग यू लुक। मैगीज चीक्स बिगिन टू पेल एंड हर लिप्स बिगिन टू ट्रेम्बल अ लिटिल। जब टॉम ने कहा कि तुम तो बिल्कुल स्टूपिड दिख रही हो, जब उसने ऐसा कहा था ना कि तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ दिख रही हो, तो उस समय मैगी जो थी उसके जो गाल थे पहले वो लाल थे यानी कि शी वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन वो पीले पड़ने लगे थे और उसके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल यानी कि शेक करने लगे थे, कांपने लगे थे, क्योंकि
अब उसको लग रहा था कि उसने बहुत ही बड़ा स्टेप उठा लिया है. शी फेल्ट अपसेट एंड अनहैप्पी टू सी हरसेल्फ इन टू द मिरर. और मैगी ने जब अपने आप को मिरर में देखा तो अपसेट हो गई और उसे अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगा. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इन पैराग्राफ 15 वी रीड दैट मैगीज चीक्स बिगिन टू ग्रो पेल एंड हर लिप्स ट्रेम्बल लिटिल. व्हाट वाज इट कॉज्ड फॉर द चेंज. अब जो वो कांपने लगे उसके लिप्स और वो जो उसके गाल थे, चीक्स जो थे वो पेल पीले पड़ गए, इसके लिए क्या रीज़न था. मैगी बिगिन टू रिग्रेट हर एक्ट व्हेन शी सॉ दैट टॉम वाज लाफिंग. जब उसने देखा कि टॉम उस पर हंस रहा है इसलिए अब उसको अपने किए पे पछतावा होने लगा. शी सडनली रियलाइज दैट शी वुड बी स्कोल्डेड फॉर बींग नॉटी एंड दैट शी वुड हार्डली फील एनी सेंस ऑफ ट्रायम व्हेन शी वुड फेस अ फैमिली. अब उसको ये भी एहसास हुआ कि जल्द ही उसको डांट भी पड़ेगी इसके उस काम के लिए, क्योंकि जो उसने बाल काटे बिना पूछे किसी से, इसके लिए उसको पक्का डांट पड़ने वाली है. और जब वो अपनी फैमिली से मिलेगी तब श्योर उसको बहुत अच्छे से परिवार से डांट मिलने वाली है. क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड व्हेन मैगी वेंट डाउन फॉर डिनर. जब मैगी डिनर पे गई तो क्या हुआ. मिसेस टुलिवर जो थी शी गेव अ लिटिल स्क्रीम एज शी सॉ हर एंड फेल्ट सच अ टर्न दैट शी ड्रॉप द लार्ज ग्रेवी स्पून इन टू द डिश विद द मोस्ट सीरियस रिजल्ट टू द टेबल क्लोथ. हर स्क्रीम मेड द आईज ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स टर्न टूवर्ड्स मैगी. अब मिसेस टुलिवर ने जब उसको देखा मैगी को तो चिल्लाई और उनकी चीख से उतना शौक लगा उनको कि उनके हाथ से ग्रेवी स्पून जो था वो नीचे गिरा और जाकर वो सीधा डिश के अंदर एक और सब्जी जो थी वहाँ पर उसके अंदर गिरा और सारी जो सब्जी थी वो उछल कर पूरे टेबल क्लोथ पर गिर गई और पूरा टेबल क्लॉथ ख़राब हो गया. और उसकी जो चीख थी इससे फैमिली मेम्बर्स जो थे वो भी सब मैगी की तरफ मुड़कर देखने लगे. सो 9th क्वेश्चन इज डिलीशियस वर्ड्स ऑफ टेंडरनेस हुज वर्ड्स आर बीइंग रेफर्ड टू हेयर. अब डिलीशियस वर्ड्स ऑफ टेंडरनेस ये जो चीज़ है, अभी अभी हम सेकंड पार्ट जो हमने किया उसमें हमने पढ़ा था ये वर्ड्स उनके फादर के द्वारा कहे गए थे. दीज वर्ड्स आर बीइंग रेफर्ड टू मैगीज फादर. व्हेन शी वॉज अपसेट एंड हर्ट ड्यू टू द वर्ड्स ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स Only her father's words felt soothing to her. अब जिस समय सब लोग उसको डांट रहे थे, सब लोग उसको उसकी जो काम उसने किया था उसके लिए उसको गलत ठहरा रहे थे, उस समय उसके फादर ने ये कहा था, ये शब्द जो यूज़ किए थे, तो ये शब्द जो थे उसको एकदम एक कह सकते हैं कि कम्फर्ट जोन में उसको ले गए, यानी कि कोई तो है जो उसकी फेवर ले रहा है. तो ये शब्द उनके फादर के द्वारा कहे गए थे. हाउ इज़ मैगीज रिलेशनशिप विद हर फादर डिफरेंट फ्राम हर रिलेशनशिप विद द अदर फैमिली मेम्बर्स. अब हमने जो कहानी पढ़ी तो उसके बाद ये बताना है कि मैगी का जो रिश्ता था उसके पापा के साथ डिफरेंट तरह का था और बाकी लोगों के साथ अलग तरीके से था. तो ये पढ़ने के बाद हमको काफ़ी कुछ पता तो लगा ही है इसमें. मैगीज रिलेशनशिप विद हर फादर वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्राम हर रिलेशनशिप विद अदर फैमिली मेम्बर्स. शी शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड विद हर फादर. He understood the feeling of Maggie and could feel her pain because of the awkward reaction of other family members. He wanted to give her compassion and warmth. अब उसका जो relation था उसके father के साथ वो बिल्कुल अलग था, जैसे कि दूसरे family member के साथ जो relation था Maggie का वैसा इसके father के साथ नहीं था. That was a different kind of relationship और इन दोनों के बीच में एक special bond था. फादर जो थे वो मैगी की पूरी फीलिंग्स को समझते थे और वो जानते थे कि मैगी कब दुख में है, कब वो दर्द में है. इसीलिए जब मैगी को सब लोग डांट रहे थे, सब लोग उसको उसकी बात के लिए, उसके इस काम के लिए सुना रहे थे, तो फादर जो थे उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही सहानुभूति उसके साथ जताई और उसको अपने प्यार से एक जो सेंटेंस पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा वो बोलने के साथ ही उन्होंने उसको गले लगाया. और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उनका रिलेशन जो था बहुत ही डिफरेंट था. हाउ योर हस्बैंड डज कॉल द चाइल्ड ब्लेसी सेड मिसेस ग्लेग इन अ लाउड असाइड टू मिसेस टुलिवर. अब जो बेसी जो थी, यानी कि जो मिसेस टुलिवर की बहन थी, उन्होंने कैसे कहा कि जो जब मिसेस ग्लेग ने कहा कि आपके हस्बैंड बच्ची को स्पॉइल कर रहे हैं. ये जो क्वेश्चन है ये एक पैराग्राफ को रीड करके हमें आंसर देना है. तो हाउ योर हस्बैंड, यानी कि किस प्रकार से उस बच्ची को स्पॉइल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था. तो आंसर है इसका, मिस्टर टुलिवर टुक साइड ऑफ मैगी, यानी कि जब वो आंटी जो थी उसकी, जो उसकी आंट थी किसकी, मैगी की, उसने ये शब्द कहे, ये सेंटेंस कहा कि तुम्हारे हस्बैंड उसको बिगाड़ रहे हैं. अब बिगाड़ने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो है उसकी फेवर ली जा रही है, यानी कि गलत चीज़ के लिए. तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा.
तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि मिस्टर टुलिवर जो थे ही टुक साइड ऑफ मैगी व्हेन शी कट्स हर हेयर, दैट इज़ वाई मिसेस ग्लैग वॉज फ्यूरियस। मिस्टर टुलिवर जो थे उन्होंने उस बच्ची का साइड लिया और इसीलिए मिसेस ग्लैग जो थे उन्होंने ये सेंटेंस यूज़ किया। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज दैट समटाइम्स द डिसीजंस टेकन इन हैज ब्रिंग सीरियस रिजल्ट्स विद देम। सो दीज वर मैगी कट्स हर हेयर क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर आंसर इसका अगर हम देखें तो कहानी से हमको सीखने को क्या मिलता है, यही सीखने को मिलता है कि जब हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमको पूरा सोच विचार करना चाहिए। तो सिंपली किसी भी चीज़ से निराश होकर गुस्से में आकर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी सीरियस मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा कोई भी कार्य करना है बड़ों की सलाह लेनी चाहिए या फिर अपने दिमाग को ठंडा रख कर ये करना चाहिए। सो दीज ऑल वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। होप यू एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।